आज जो हम व्यू देने वाले हैं अल्टो VXi प्लस में आखिर क्या क्या मारुति ने चेंजिंग किया है, देख सकते हैं। आगे का इस तरह का आपको ग्रिल मिल जाता है, दो हेडलैम्प मिल जाता है, आप इंडिकेटर ऊपर की ओर मिल जाता है, इस तरह का ग्रिल मिल जाता है। उसके बाद बोनेट जो है थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, और लेफ्ट साइड की बात करें है ना, वही सेम चक्का आपको मिल जाता है इसमें। इस तरह का लेफ्ट साइड का व्यू आपको इस तरह से थोड़ा सा कर्व और न्यू अपडेटेड लग रहा है, और अंदर का भी लुक दिखाएंगे आपको। और ये जैसे देख सकते हैं, और पीछे का लुक दिखाए तो ये है, और ये आपका गाड़ी का लुक है। ये आउटी से पीछे वाला रियर जो है बम्फर लगा हुआ है ना, ये पीछे का लुक ये हो गया। और डिक्की का आप लोग जानते ही हैं, और लेफ्ट साइड का तो सेम ही रहेगा भैया जो राइट साइड का। अब इसका अंदर का भी लुक देखेंगे और फ्यूचर्स की बात करेंगे क्या क्या है आखिर इस गाड़ी के अंदर। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं, तो फिर देखते जैसे एंट्री करते हैं तो इस तरह का आपको स्पेस मिल जाता है। अगर लंबे भी हैं तो सीट आप पीछे कर सकते हैं। जैसे एंट्री करते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये पावर स्टीयरिंग पहले भी इसके VXi में मिल रहा था, सेम है, सिर्फ VXi प्लस में फ्रेंड एक आपको टच स्क्रीन मिल जाता है, और दो एयर बैग मिल जाता है आपको आगे की ओर है ना। और बात करें इसका डैशबोर्ड का क्या क्या सिस्टम मिलता है, तो ये आपको चाबी में जो है ये मिल जाता है, आपको लॉक अनलॉक के लिए मिल जाता है ना, और देख सकते हैं, और बहुत अच्छा ये काम भी करता है। और हम पहले गेट को लगा लेते हैं, गेट में कुछ ऐसा पावर विंडो है नहीं मिलता है। इसका शीशा के लिए देख सकते हैं आगे दोनों जो है पावर दिया है, इसका बटन जो है यहाँ पर दिया है ना। और जैसे हम इग्निशन को ऑन करते हैं तो ये आपको सारा चीज़ इग्निशन का मिल जाता है, एयरबैग का, सीट बेल्ट का, और लॉक अनलॉक ऑटो लॉक इसमें दिया है, पावर स्टीयरिंग का यहाँ पर दे रहा है, बैटरी और चेक लाइट, इंजन लाइट और फ्यूल वगैरह का है ना। ये सिर्फ गाड़ी अभी जो है 3760 किलोमीटर चली है, और हम आपको व्यू दिखा रहे हैं है ना, बिल्कुल वेल कंडीशन में है ना गाड़ी। यहाँ पे चार्जिंग आपको मिल जाता है, यहाँ पे टच स्क्रीन में सारा फंक्शन आपको मिल जाता है, म्यूजिक, फ़ोन वगैरह है ना, और कनेक्टेड मीडिया सब कुछ मिल जाता है फ्रेंड इसमें, काफ़ी अच्छा है, बात उत भी हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं माइक वगैरह भी दिया है गाड़ी के अंदर, काफ़ी बेहतर है। और देख सकते हैं पीछे का लुक दिखाएं तो सीट का एडजस्टमेंट और विंडो का देख सकते हैं कि पूरा पावर दिया, अच्छा वेल काम करता है, साउंडलेस हल्का साउंड है। और मिरर का एडजस्टमेंट ये आपको दिया, तो अगर आप 5 लाख के अंदर एक बेहतर गाड़ी लेना चाहते हैं, इस गाड़ी का प्राइस बोले तो 4,94,000 ऐसे कुछ समथिंग पड़ता है ना, मानिए तो 5,05,000 हमको पड़ गया बम्फर लगा करके है ना, और ये सब मैट वगैरह जो आप दिख रहे हैं ये सब मैट तो गाड़ी में मिलती नहीं है, 5,05,000 हमको ऑन रोड मिला है। और एसी की बात करें तो एसी का सारा फंक्शन अच्छा दिया, और एसी का चिल्ड भी अच्छा करता है। अरे भैया छोटी गाड़ी है, 5 लाख के आप क्या सोचते हो, सारा मिल रहा है आपको, म्यूजिक इतना म्यूजिक स्क्रीन आपको मिल रहा है इतना बेहतर, और इसका म्यूजिक साउंड भी काफी बेहतर है। अगर हम बात करें तो FM आपको चला करके सुनाते हैं है ना, देख सकते हैं कि कितना आवाज ये करता है ना, बहुत इसका साउंड है, बहुत साउंड है, आपको बता नहीं सकते हैं, म्यूट कर देता है। जब म्यूजिक सुनिएगा तो आपको ऑटी साउंड लगाने की जरूरत नहीं है इस गाड़ी के अंदर। VXi प्लस अगर आप 5 लाख के अंदर गाड़ी लेना चाहते हैं तो इसको आप चूज कर सकते हैं, सब फैसिलिटी आपको मिलेगी भैया। 5 लाख में सनरूफ सिर्फ नहीं आपको मिलेगा, लेकिन बाकी सारा चीज मिलेगा, ऑल ऑफ दिस। और देख सकते हैं वाईफाई